सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज दिन है क्या, ट्यूसडे, मंगलवार हो चुका है और आई थिंक गणेश चतुर्थी का आठवां दिन है। हाँ, गणेश चतुर्थी भी, मतलब गणेश चतुर्थी आ जाएगी अब, फिर उसके बाद आएंगे श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्र, दिन पता ही नहीं चलेंगे ये तो कब निकल गए कब नहीं। और गाइस टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, सब नहा चुके हैं, आज हैं घर सभी और ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ किचन में कारिस्तानी, जिसमें कि मैं बना रही थी आज पुलाव, लेकिन नहीं, इन्हें कुछ और खाना था। जस्सिका के माइंड में पता नहीं मोबाइल चलाते चलाते क्या क्या देख लिया, मैं बनाऊंगी। मैंने कहा बना लो अपने आप, मैं तो चावल बना दूंगी। चलिए किचन में चलते हैं, देखिए देखिए दोनों लगे हुए हैं दोनों। हाँ जी, हेलो। हाँ तो ये आलू हैं, प्याज मैं देती हूँ, रुक जाओ, पूरा भरो इसे पानी से, और मेरे मैंने चावल फ्लो दिए हैं, ये बनाना उनके हैं, अभी जिम गए हुए हैं। ए दो नहीं, हाँ दो ठीक है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक सही, तो क्या बना रहे हो जैसिका? और रेड सॉस पास्ता टमाटर के साथ, अच्छा। तो बाकी टिफिन रख दो ना, सब किचन में एंड टू एंड सफाई रखो ना, ठीक है। प्याज भी इतने स्टाइल में काटूंगा मैं, अच्छा ज्यादा बारीक भी नहीं हो। नमक डाल दिया इसमें? डाल दिया, तो पानी ये फिर भी कम है, ठीक है। तो भाई ज्यादा काम तो मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें करती तो है नहीं जैसी का किचन में काम, चाय के अलावा और कुछ नहीं बनाती है ये लड़की। क्या करूं और बनाती? दाल चावल बनाओ, दाल रोटी बनाओ, अगर ये सब बनाना सीख गया ना तो मैं ही रहूंगा किचन में फिर। बिल्कुल, इसमें कोई दोराया नहीं है, कभी मैं बाहर जाऊं। और सबसे पहली बात, जब तक पानी बॉईल ना हो जाए उसमें पास्ता नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये लड़की ने डाल दिया सारा एक साथ, ये मैगी भी ऐसी बनाती है। टमाटर वैसे लेना बिल्कुल लाल लाल, ठीक है, जितने लाल होंगे उतनी अच्छी बनेगी, ये भी बता देती हूँ मैं। लाल वाली मिर्च, मिर्च के डब्बे में वैसी वाली नहीं, दूसरी वाली, कौन सी, कसूरी साबुत, ये भी है। हाँ रखते हैं, हाँ मुझे पता है। साबुत का क्या करना है? हम इसे बॉईल करेंगे। अरे नहीं है, हाँ। दो ही पड़ी है उसमें, बस बॉईल करेंगे, बॉईल किसे, प्याज को? हाँ। अच्छा, प्याज को नहीं, टमाटर को। तो करो बॉईल, रखो। तो ये जस्सी का करती है टमाटर को बॉईल, साबुत या काट के? देखो मैं ऐसी वाली प्याज, अच्छा अच्छा ये वाली काटनी है। तो ये कटोरी में रखो ना, इस पे ही रखते रहोगे, ये इसमें निकाल के रखो, आधा काम तो मैंने कहा ना मुझे ही बताना पड़ेगा। तो चलिए करने देते हैं, अभी तैयारी कर रही है, जब बनाएगी जब देखते हैं। और ये चम्मच हो जाएगी गरम, फिर हाथ जल जाएगा, फिर बैठ जाएगी, काम आ जाएगा मेरे ऊपर, लो जी बना लो, जिसमें कि मैं बनाऊंगी नहीं, आई डोंट लाइक पास्ता, तो ना ही मैं खाऊंगी, बिकॉज मैं डाइटिंग पर चल रही हूँ। और ये लग गया अपना मोबाइल में, जिसमें कि कल है, क्या है कल, किस चीज़ का, हिंदी, मातृभाषा है हमारी हिंदी, ठीक है। तो कौन करेगा यार, मैं नहीं, मुझे जाना होगा थी पेपर देने। तो चलिए गाइस इन्हें बनाने देते हैं और देखते हैं, जैसे जैसे तैयारी कर रही है अभी, तो तैयारी कर लेगी, जैसे बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। सो आज किचन है जस्सिका के हवाले कुछ टाइम तक बस, उसके बाद बीच बीच में हेल्प तो मुझे ही करनी पड़ेगी। चलिए अभी मिलते हैं। हटो लवेश, देखिए बनाने लगी है, तो मीडियम फ्लेम रखो क्योंकि बटर जल जाता है आधी बात। तो ये पास्ता उबाल लिया, पास्ता तो बहुत सारा था, बहुत सारा नहीं था, अरे कहाँ गया, नहीं था भाई, यही है सारा, इन्हें थोड़ा सा बचा के रख दिया, मैंने नहीं रखा बचा के, सही में, हाँ तो ये डालू मेरे, मुझे नहीं लग रहा ये इतना ही है, मैं क्यों रखूंगा बचा के, इतनी सारी कढ़ाई में इतना सा पास्ता, ये तो है ना, अच्छा अब चलो इसे डालू, हाँ मुझे ये पता, प्याज डालना चाहिए, प्याज डालो, तो हल्की सी सोटे ही करनी है बस, तो फिर ये डाल डालो, डर
डाल पहले। लविस बाहर निकलो, चलो ये बटर भी डाल लो ना। अरे यार नहीं हो रहा ज्यादा। तो ये डालिए जस्सी का, साइज से प्याज काटिए और डालेगी क्या, ये टमाटर, तीन टमाटर की प्यूरी बनाई थी मिक्सी में, और ये जरा सा पास्ता। तो ये किस किस को जाएगा मेरे, और दिखाओगे नहीं मैं, हाँ ये लग रहा है जरा सा है इसमें, अरे कुछ ज्यादा ही कम सा लग रहा है मुझे। ये देखो बिना चुपक रहा है। चलो भाई कुछ लेगा तो नहीं? नहीं आराम से डालो ना, आराम से। मीडियम फ्लेम है तो नहीं उचलता। तो ये डाल दी है प्यूरी, और इसमें वो मसाले निकाल लिए। अच्छा नमक भी डालना है? नमक भी डालना है। अच्छा वो मिक्स हर्ब निकाल लो है ना, तो ले लो लविस, चल मैं निकालती हूँ। मिक्स हर्ब मतलब सीजनिंग। तो ये है हमारी, थोड़ी देर पकाने, हाँ पकने दो। ये है हमारी सीजनिंग, ठीक है ये वाली, और ये चिली वाली सॉस है, और ये है हमारी चिली फ्लेक, और ये है हमारे जो भी हमने कुछ बचे हुए। ये क्या है, इस ये भी डलेगा? बहुत ज्यादा डलेगा दीदी, उसमें ज्यादा डालना। पास्ता मतलब मैगी मसाला, तो ये रहा पैकेट और है दी, ज्यादा नहीं डलेगा। ये लाल मिर्च लिए, तो इसमें तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें क्या डालेगा, पास्ता डालो। तो इसमें लाल मिर्ची डाल ली क्या? अच्छा लाल मिर्ची ऐड की है। तो गाइस तो जैसिका के पता नहीं क्या जुनून सा चढ़ा एकदम वीडियो देख के, कीड़ा पैदा हो गया। तो चलो आज मैं पास्ता, मैंने कहा बनाओ बिल्कुल बनाओ। तो ये है रेड सॉस पास्ता बन रहा है, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। मैंने ले लिया, हाँ डालना है थोड़ा सा बस बस। मेरा फेवरेट सीन ले लिया मम्मा ने, खोल के निकलेगी ये बस ना, ज्यादा नहीं फ्लेवर फिर वो नीचे से लग जाएगा, नहीं लगेगा मीडियम। चिली ब्लॉक ये बना मेरा था, ले किसने लिया बताओ, मीठी ना हो जाए। ये डाल दूं? मैं बना रही हूँ, सब कुछ डल गया। ये भी डाल देते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा। लविस ने, मैं तो कहता हूँ वो वाली रेड सॉस डाल देते हैं। कौन सी वाली? वो जो वैसी अभी होती है मेयोनीज वाली, डलेगी वो भाई, निकाला जाए उसको। पास्ता पास्ता टेस्टी पास्ता, मैं कर रहा था सारा काम यही है मेरा। करवाना पड़ता है क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा था अच्छा आएगा। अरे वो टमाटर कम से कम पास्ता तो ज्यादा उबालते हैं, ये किस किस के, हम दोनों के लिए बस। अच्छा मैंने ज्यादा तो उबाला था, पता नहीं है झंडू बम सा कैसे हो गया। इन्हें वहां पे डाल दिया, मैं बताना, मैंने बोला डाल दे, मैंने देखा तो बहुत सारा था। मैंने भी बहुत सारा देखा था, अभी इसमें तो है नहीं। मैं डालती हूँ व्हाइट सॉस। नहीं व्हाइट सॉस नहीं, जब थोड़ा टेस्ट आया टेस्ट नहीं, रेड सॉस है, रेड सॉस भी डालूंगी। क्या सर ठीक है? ठीक है से क्या मतलब है आपका? थोड़ा बहुत जला भी दो, क्रंची लगेगा। चेक करो और ये बन चुका है। चीज डाल दो, चीज हटो, क्रश करके स्लाइस, ये स्लाइस वाला ऊपर से ये क्या हो गया इसमें डाल के रखा है ना, तो ये मिक्स ही हो जाएगा, ये सब मेल्ट हो जाएगा। मुझे डालना है कुछ नहीं है डालने को इसमें, व्हाइट सॉस की जगह पता नहीं क्या, मतलब रेड सॉस की जगह पता नहीं क्या बना दिया हमने इसको, न्यू एक्सपेरिमेंट। ये बटर है क्या? हाँ बटर है, ये चीज नहीं है, चीज
अरे तो क्यूब थोड़ी ना डाल दोगे इसमें, क्रश करना पड़ता है। लो चला लो अपने आप और बना लो। ये तो आखिरकार जैसिका ने बना लिया है रेड सॉस पास्ता, जिसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया। तो लविस कैसा लग रहा है? स्पाइसी और टेस्टी। अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो जी, और कल है एग्ज़ाम, तो इसके खाने के बाद करो एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है? इधर देखिए, हद से ज़्यादा टेस्टी। चलो बस वो जो फ्यूरी थी ना, वो मुझे मतलब टमाटर उबाल के इन दोनों की डिबेट होते हुए मैंने सडनली वो क्या डिबेट हो रही थी? कुछ नहीं है, मतलब की बात नहीं है, मतलब की बात नहीं है। ये पता नहीं फोन में क्या कर रहे थे। अच्छा हाँ, क्योंकि एग्जाम अब खत्म हो जाएंगे, अभी तो नहीं हो रहे जैसिका के, तो लेट है। मतलब इसके छह दिन की छुट्टियाँ, छह दिन की छुट्टी बताओ जैसे, पता नहीं कितने पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं आधे से ज्यादा फोन में ही लगे रहते हैं। लविस का कल है और फिर है 30 को खत्म। लविस के हमेशा पहले ही हो जाते हैं। मैं तो खेलने जाऊंगा। अच्छा मन करता है पढ़ते पढ़ते। और मैंने आज खाना खिला दिया, अभी मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि आज दोपहर में इन्होंने पास्ता खा लिया था, फिर चावल नहीं बनाए तो अब बना दिए थे 5 बजे ही। अभी 5:30 बजे टाइम हो गया, ट्यूशन का जाओ। अभी ना हुआ दे। फोन में ही लगे रहेंगे देखो। तो चलिए गाइस अभी मिलेंगे थोड़ी देर में, अब लविस जाएगा ट्यूशन, जैसिका की छुट्टी है, जैसिका घर ही रहेगी, एक दिन जाती है एक दिन छुट्टी। कितना मुझे नहीं है, मुझे ट्यूशन में अच्छा लगता है। अच्छा घर का काम करने पड़ते हैं इसलिए। ओह कितना सारा काम करा। चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो चलिए गाइस यही थी आज की दिनचर्या। आज का दिन ऐसे ही गया क्योंकि आज बच्चों के घर ही थे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बस एग्ज़ाम ख़त्म होने, मतलब इसके ख़त्म होने वाले हैं, और जैसिका के अभी चलेंगे, और बस खाना पीना सबका हो गया है, और बस बस क्या, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। सब मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।